नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्र। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और अब तक लगभग 1,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और लगभग 5,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मामले अमेरिका में दर्ज किए गए। जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की माने तो यहाँ एक दिन में 52,000 मामले सामने आए। यहाँ पर 8 राज्यों में मंगलवार को नए मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई। मंगलवार को 44,000 नए मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी की ओर से गंभीर चेतावनी दी गई। फॉसी की माने तो अमेरिका गलत दिशा में जा रहा है और संक्रमण के मामले बढ़कर एक दिन में 1,00,000 के आसपास हो सकते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो पता चलेगा कि सिर्फ अमेरिका में ही 27,00,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। लगभग 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का क्या हाल है। इसके साथ ही साथ अपने बेतुका बयानों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के खुद से गायब हो जाने की बात कही थी। उनसे जब पूछा गया था कि क्या उन्हें सच में लगता है कि कोरोना वायरस अपने आप अचानक गायब हो जाएगा, इस पर ट्रंप ने कहा, हाँ मुझे लगता है और मुझे ये भी लगता है कि हम जल्दी ही एक वैक्सीन भी बना लेंगे। हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका में जनता मर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति मस्त हैं और एक अलग तरह का राग अलाप रहे हैं।